आईटीआई टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग टूल्स के प्रकार, जो कि हम लोग वर्कशॉप के अंदर कार्य करते हैं, तो कितने प्रकार का टूल्स होता है, कैसे उसका वर्गीकरण करते हैं और कैसे एक एक टूल्स को आप समझिएगा, कैसे जानिएगा, क्योंकि टूल्स से आपको कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहां भी जाइएगा आपको टूल से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे रेलवे हो, चाहे पीएसयू का एग्जाम हो या प्राइवेट सेक्टर का भी एग्जाम हो, टूल्स के बारे में जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि टूल्स आपका औजार है जिसके द्वारा आप कार्य करते हैं। तो टूल्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसका मतलब आप काम नहीं जानते। तो इसलिए इसको आसानी से समझने के लिए मैंने आपके लिए कैसे इसका वर्गीकरण करेंगे और कैसे एक एक करके हम लोग इसका स्टडी करेंगे, जो कि प्रत्येक लेटर ऑन हम लोग प्रत्येक जो पार्ट्स है उसके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ उसका प्रकार कितना होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टूल्स को चार भाग में बांटेंगे, चार तरह से जानेंगे और उसके अंदर कौन कौन से टूल्स है, कौन कौन से महत्वपूर्ण टूल्स आपको पढ़ने हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चार प्रकार में कौन कौन सा हो गया, तो फर्स्ट प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं मार्किंग टूल्स, मार्किंग टूल्स यानी कि चिन्ह, मार्किंग अर्थात चिन्ह, चिन्ह लगाने वाले वाले औजार। ठीक है, चिन्ह लगाने वाले औजार कौन सा होगा? चिन्ह क्या होता है? चिन्ह होता है कि जब भी आप वर्कशॉप में जाते हैं तो कोई ना कोई जॉब आपको बनाना होता है। जॉब क्या होता है? जो भी असाइंड वर्क हुआ वो जॉब हुआ। जैसे कि लोहे का काटना है, 90x90 का एक स्क्वायर शेप में आपको पीस तैयार करना है, तो वो आपका जॉब हो गया, वो आपकी एक ड्राइंग हो गई जिसका थिकनेस 10 mm हो और लंबाई चौड़ाई 90 mm हो। तो वो जॉब आपको कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए आपको उसपे ऊपर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करना पड़ेगा। तो मार्किंग करने के लिए कई तरह के टूल्स आते हैं और वो टूल्स साधारण मार्किंग या उससे भी हो सकता है क्रिटिकल, जैसे मशीन के जॉब का मार्किंग करना हो, तो सारे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कितने तरह का मार्किंग टूल्स होता है। तो मार्किंग टूल्स में सबसे पहले तो स्क्राइबर, ठीक है, लिखना संभव नहीं है क्योंकि टूल्स की संख्या अधिक है और आप लोगों को मैं बाद में एक एक करके समझाऊंगा, अगर आप लोग चाहिए तो लिख लीजिए। तो सबसे पहले मार्किंग टूल्स में स्क्राइबर, स्क्राइबर चिन्ह लगाने के लिए, निशान लगाने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, अगर राइट एंगल में खींचना हो या पैरेलल लाइन खींचनी हो तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मार्किंग करने के लिए मार्किंग टेबल, मार्किंग टेबल जिसपे मार्किंग किया जाता है उस टेबल को मार्किंग टेबल कहते हैं, उसका दूसरा नाम लेआउट टेबल भी है, लेआउट टेबल। इसके अलावा सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट पे मार्किंग करते हैं, सरफेस प्लेट पे फाइन मार्किंग किया जाता है, वर्नियर हाइट गेज के माध्यम से जो मार्किंग करते हैं वो सरफेस प्लेट के ऊपर करते हैं। तो सरफेस प्लेट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब चीजें जानेंगे। इसके अलावा ट्रैमल, जो कि ट्रैमल एक मार्किंग टूल्स है और उसके बीम के ऊपर दो एडजस्टेबल लेग होते हैं, तो ट्रैमल के बारे में जानेंगे, ट्रैमल क्या होता है, ट्रैमल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा मार्किंग टूल्स में है एंगल प्लेट, एंगल प्लेट क्या होता है, तो एंगल प्लेट के बारे में जानेंगे, एंगल प्लेट भी मार्किंग टूल्स है। इसके अलावा वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक क्या होता है, गोल जॉब को रखने के लिए जो ब्लॉक होता है उसको वी ब्लॉक कहते हैं, तो वी ब्लॉक कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा पंचेज, पंच होता है, जैसे डॉट पंच हो गया, सेंटर पंच हो गया, प्रिक पंच हो गया, पिन पंच हो गया, हॉलो पंच हो गया, सॉलिड पंच हो गया, तो पंच कितने प्रकार का होता है, ये सब चीजें हम लोग मार्किंग टूल्स के अंतर्गत जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड जो प्रकार है, दूसरा नंबर पे है, उसको हम लोग मेजरिंग टूल्स के नाम से जानेंगे, मेजरिंग टूल्स।
मेजरिंग मतलब मापने वाले औजार, मापने वाले औजार। तो मापने वाले औजार कौन से हो गए, जब हम लोग मार्किंग कर लिए तो मापना भी पड़ सकता है, तो मापने वाले औजार के बारे में जानकारी होना चाहिए। मापने अर्थात स्टील रूल से माप कर सकते हैं हम लोग, इसके अलावा माइक्रोमीटर से माप कर सकते हैं। माइक्रोमीटर जानते होंगे, सुने होंगे, मैं पूर्व में भी बताया हूं, आगे भी मैं बताऊंगा माइक्रोमीटर से कैसे माप लेते हैं, वर्नियर कैलिपर से कैसे माप लेते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर से कैसे माप लेते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसके अलावा हम लोग SWG यानी कि सीट वायर गेज से कैसे काम होता है, स्क्रू पिच गेज यानी कि जो थ्रेड का दूरी मापते हैं स्क्रू पिच गेज की सहायता से, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ गेजेज जैसे कि साइन बार हो गया, स्लिप गेज ब्लॉक हो गया, स्नैप गेज हो गया, प्लग गेज हो गया, रेडियस और फिलेट गेज हो गया, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे मापने वाले औजार में, यानी कि मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत, ठीक है। अब तीसरा जो प्रकार है, तीसरा वो है कटिंग टूल्स यानी कि काटने वाले औजार। कटिंग टूल्स में कौन कौन सा रखेंगे, जो मार्किंग कर दिए, मेजरिंग कर दिए, तो काटना भी होगा, क्योंकि टूल्स अगर जॉब बनाना है तो काटना भी पड़ेगा। तो काटने के लिए कौन कौन सा औजार हम लोग यूज करते हैं वर्कशॉप के अंदर, तो सबसे पहले हेक्सा ब्लेड यूज करते हैं, हेक्सा फ्रेम के साथ हेक्सा ब्लेड का यूज करते हैं। फाइल्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स यानी कि रेती, जो रेतने वाले हैं कण के रूप में जो धातु को काटता है उसको रेती कहते हैं, तो रेतने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चीजल के द्वारा काटते हैं, चीजल डिफरेंट टाइप ऑफ चीजल कितना है वो सब जानेंगे। इसके अलावा ड्रिल, जो छेद करने के लिए ड्रिल का प्रयोग करते हैं, उसमें अगर हमको ड्रिलिंग करने के बाद थ्रेड काटना हो तो टैप का प्रयोग करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेडिंग करना हो डाइज का प्रयोग करते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग कटिंग टूल्स के अंतर्गत जानेंगे। इसके अलावा रीमर क्या होता है, जो ड्रिलिंग करने के बाद जो होल है उसको फिनिश करने के लिए रीमर का प्रयोग करते हैं, स्क्रैपिंग करने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, तो ये सब टूल्स हम लोग कटिंग टूल्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग चौथा प्रकार जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन हैंड टूल्स यानी कि समान हस्त औजार। जो चौथा प्रकार है वो समान हस्त औजार है, कॉमन हैंड टूल्स है। कॉमन हैंड टूल्स क्या होगा, बेंच वाइस हो गया, वाइस से हम लोग जॉब को पकड़ते हैं, तो कॉमन हैंड टूल्स में ये सब रखते हैं, बेंच वाइस हो गया, हैमर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पैनर हो गया, स्पैनर यानी कि रिंचे जितने भी हैं हो गए, जैसे एलन की हो गया, ओपन इंडेड स्पैनर हो गया, रिंग स्पैनर हो गया, प्लग जो हम लोग सॉकेट वाला स्पैनर हो गया, तो ये सब कई तरह के रिंचेज होते हैं, जिसको हम लोग चेन रिंच हो गया, एडजस्टेबल स्पैनर हो गया, तो ये सब हम लोग कॉमन हैंड टूल्स के अंतर्गत रखते हैं। इसको भी हम लोग एक एक करके जानेंगे, समझेंगे लेटर ऑन, जब भी हम इसका टॉपिक का क्लास लेंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको सारी चीजें ऑथेंटिकली जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।